हेलो गर्ल्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कैनिंग फूड, या फिर जो आपका था टॉपिक स्पॉइलेज फूड में, उसमें आपका ये लास्ट वन टॉपिक है कैन फूड। तो कैन फूड बेसिकली होता क्या है गर्ल्स? जो कैन फूड होते हैं वो जो डिब्बा बंद पैकिंग होती है, या बॉटलों में जो पैकिंग करी जाती है, या टेट्रा पैक होते हैं जूसेस के, अचार के हो गए, चटनियों के हो गए, प्यूरीज के हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैनिंग करना कहते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैनिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापक्रम पर रखकर खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। जो कैनिंग में आपका टेम्परेचर यूज़ होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे खाद्य सामग्री में विकृति पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, आपके खाद्य सामग्री जो होती हैं, मतलब जो खाने वाली सामग्री होती है, उसमें जो विकृति, मतलब जो उन्हें दोषपूर्ण करने वाले जो हानिकारक जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, वो उसमें ये कैनिंग की प्रक्रिया, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर खाद्य पदार्थों को हम गर्म करते हैं, उससे वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और एंजाइम भी होते हैं वो अक्रियशील हो जाते हैं। कैनिंग का अर्थ एवं परिभाषा। कैनिंग का जो अर्थ है और उसकी डेफिनेशन क्या है, मीन्स मीनिंग एंड डेफिनेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैनिंग शब्द जो है आपका कैन से मिलकर बना है। ओके गर्ल्स, तो जिसका बेसिकली जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं डिब्बा बंदी। इसलिए कैनिंग विधि द्वारा परिरक्षित भोज्य पदार्थ, जैसे आपका कैन फूड हो गए, कैन फ्रूट हो गए, फ्रूट्स में आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जो एप्पल हो गए आपके, ये थ्रू कैन फूड एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जाती है। तथा कैन वेजिटेबल्स, आप आजकल जो है वेजिटेबल्स भी आ रही हैं, प्यूरीज आ रही हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, टमाटर है, लहसुन लहसुन और अदरक का पेस्ट है प्यूरीज के रूप में, तो वो भी अवेलेबल है। वो सब क्या होता है, कैन फूड के मतलब कैनिंग के द्वारा ही ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। अथवा क्रमशः डिब्बाबंद तरकारियाँ जिन्हें कहा जाता है। इसी प्रकार कैनिंग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैनिंग खाद्य परीक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ को तरल पदार्थ के साथ वायु रुद्ध टीन के डिब्बों में बंद करते हैं। मतलब जो कैनिंग विधि परीक्षण है वो उस विधि को कहते हैं जो हम खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, फिर उसे हम डिब्बे में बंद करते हैं। लेकिन वो डिब्बे बंद किस विधि द्वारा करते हैं, वो आपके कैन विधि द्वारा करते हैं, लेकिन उसमें इस तरीके से करते हैं कि जो वायु है वो बाहर की वो उसमें एंटर ना हो पाए। तत्पश्चात जो है बंद डिब्बों को एक निश्चित ताप व समय की सीमा तक गर्म करते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो डिब्बे बंद होते हैं उन्हें एक निश्चित ताप, एक हर एक चीज़ का एक ताप रहता है, जैसे ऊपर बताया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म करते हैं, एक निश्चित ताप होता है उस पर वो गर्म किया जाता है, और जिससे कि क्या होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं या तो वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, या फिर क्या होता है, वो जो खाद्य पदार्थों को वो हानि पहुंचाने लायक वो नहीं रहते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन जब इन खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए टीन के डिब्बे के स्थान पर बोतल का प्रयोग किया जाता है, तो यही क्रिया आपकी वाटलिंग क्रिया कहलाती है। मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा आजकल सिरका है आपका, और जूसेस आ गए हैं जो बॉटलों में अवेलेबल हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम वाटलिंग की प्रक्रिया कहते हैं। ओके गर्ल्स, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, जो डिब्बा बंद पैकिंग होती है उसे हम कैनिंग कहते हैं, और वही चीज़ अगर बॉटलों में यूज़ की जाती है तो उसे हम वाटलिंग कहते हैं। कैनिंग खाद्य परीक्षण की आधारशिला है, अतः इसका उपयोग केवल फल तरकारियों तक ही सीमित नहीं है। फलों के रसों में गूदी, गूदा, नेक्टार जैसे जैम, जेली, चटनी, मुरब्बा आदि में भी उपयोग किया जाता है। जो सन आपका 1765 में सर्वप्रथम स्पेन लॉजी ने कैनिंग द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया था, लेकिन निकोलस अपवर्ट फादर ऑफ कैनिंग को कहा गया, मतलब
जो 1765 में सबसे पहले स्पिरुलिना ने कैनिंग खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना स्टार्ट किया था, लेकिन जो फादर है वो कौन कहलाए इसका? निकोलस अपट फादर कहलाए। अब आपका कैनिंग पदार्थों में खराबियां तथा उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाती है? डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के खराब होने के दो कारण हैं। पहला है आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न खराबियां तथा सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया। तो फर्स्ट है आपका इसमें डिब्बों का फूलना, स्वेलिंग ऑफ कैंस। डिब्बाबंदी के समय असावधानियां प्रविष्ट सूक्ष्म जीवी खाद्य पदार्थ में प्रक्रिया कर कुछ गैसें उत्पन्न करती हैं। यदि जब हम कैनिंग की प्रक्रिया करते हैं, डिब्बा बंद करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस समय पे जो कुछ असावधानियां हो जाती हैं जिसकी वजह से जो कैन फूड है उसके अंदर कैन में जो है गैसें उत्पन्न हो जाती हैं और डिब्बा जो है फूलने लग जाता है। यदि इन फूले भाग को अगर हम हाथ से दबा के देखेंगे तो ये दब जाएंगे, लेकिन हाथ हटाने के बाद ये पुनः ही फूल जाएंगे क्योंकि उनके अंदर ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही गैस बननी शुरू हो जाती है। फिर है आपका सेकेंड एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा फूलना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें जो है क्लोरिस्ट्रीडियम वाटलिम मुख्य है। इन लक्षणों से युक्त खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आती है तथा स्वाद भी खट्टा सा होता है। कभी कभी ये खाद्य पदार्थ अत्यंत विषैले हो जाते हैं, अतः इन पदार्थों को नष्ट कर देना चाहिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कोई डिब्बा फूलता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्लोस्ट्रीडियम वाटलिम मुख्य होता है। ये एक जो है जीवाणु होता है वो उत्पन्न हो जाता है। इन लक्षणों से युक्त खाद्य पदार्थों में क्या होता है, दुर्गंध आती है और जो है जो स्वाद भी है वो खट्टा हो जाता है खाद्य पदार्थों का। और कभी कभी ये खाद्य पदार्थ अत्यंत विषैले होते हैं जिसके खाने की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इन पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, इन्हें तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए। फिर है नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन गैस द्वारा फूलना। फल तथा तरकारियों में पाए जाने वाले अम्बटीन के ढक्कन के अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यह गैस डिब्बों को फुला देती है। इन अभिक्रियाओं का संरक्षण को क्या कहा जाता है, कोरोसिन कहा जाता है। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं तो रहते हैं लेकिन विकिरण योग्य नहीं रहते हैं। जो फल तरकारियाँ होती हैं उसमें जो है पाए जाने वाले अम्ल यानी टीन के ढक्कन की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस वो निर्माण करता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि कभी कभी ये डिब्बों के ढक्कन जो है लीक हो जाते हैं और वो डिब्बों को फुला देती है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, कोरोसन कहा जाता है। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है खाने योग्य नहीं रहते हैं लेकिन किण्वन योग्य भी नहीं रहते हैं। फिर ऐसा है कि आपका उठना या फूटना, स्प्रिंगर। कैनीकरण के समय डिब्बों में खाद्य पदार्थ के अधिक भर जाने के जो है फलस्वरूप निर्वातन पूर्ण रूप से ही नहीं हो पाता, इससे यह खराबी उत्पन्न हो सकती है। इससे डिब्बे एक और से फूल जाते हैं, इसे स्प्रिंगर कहते हैं। जो भी कैनिंग की प्रक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थ अगर जो से ज़्यादा भर दिए जाएं तो उसमें खराबी उत्पन्न हो जाती है और डिब्बे जो है एक साइड से फूलने लग जाते हैं, जिसे हम स्प्रिंगर कहते हैं। यदि इनको हाथ से दबाकर हम देखेंगे तो वो उस समय दब जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो अपना एक आकार प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की खराबी से ग्रसित खाद्य पदार्थ जो है खाने योग्य आपके नहीं रहते हैं। थर्ड आपका प्रथम सृजन यानी फ्लिपर। प्रथम सृजन जब डिब्बा पर तोड़ा या दबाव बन जाता है जिससे उनमें प्रथम सूजन आ जाती है, जिसे हम फ्लिपर कहते हैं। यह वास्तविक में खराबी नहीं है बल्कि खराब होने का प्रारंभिक खराबी कही जा सकती है। यह खराबी अपूर्ण निर्वातन के कारण होती है। मेज गर्ल्स, ये जो खराबी है ये जो है पूरी तरह खराबी नहीं है बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग की स्टेज है, प्रथम सृजन है, जो कि ये संकेत करता है कि जो फूड है वो कैनिंग डिब्बे में जो फूड है वो खराब होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है आपका खट्टी बदबू यानी फ्लस्टू। खट्टी बदबू अम्ल रहित तरकारियों में सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। जब अम्ल रहित खाद्य पदार्थ को अपूर्ण रूप से संसाधित किया जा गया हो अथवा जिन डिब्बों में उन्हें भरा गया ठीक प्रकार से निर्जलीकरण न हो पाया हो या फिर शीतलीकरण के उपयोग में आने वाले
पानी की अशुद्धता के कारण इस प्रकार की खराबी आ सकती है। अतः खट्टे बदबूदार खाद्य पदार्थ को खाना नहीं चाहिए। खट्टी बदबू जो होती है तरकारियों में किसके आते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण आती है। यदि जो डिब्बा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से ना भरा हुआ हो, उसमें कोई स्पेस रह गया हो, या फिर उसका निर्जलीकरण नहीं किया होगा, या फिर शीतलीकरण के उपयोग में आने वाला जो जल होता है वो अशुद्ध हो, जिससे कि क्या होता है जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें खराबी आ जाती है, बदबूदार हो जाते हैं और वो खट्टे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका निरसना यानी लीकर। जब कैनिंग डिब्बों में संरक्षण के कारण अदृश्य छिद्र हो जाते हैं अथवा संचयन तथा परिवहन के समय होने वाली लापरवाही के कारण रगड़ खा कर डिब्बों में छिद्र होने निरसने लगता है, तो इस प्रकार की हानियां होती हैं। कभी कभी क्या होता है, गर्ल्स जब पैकिंग होती है और पैकिंग के बाद जो है डिब्बे लोड किए जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो उन डिब्बों में कभी कभी रगड़ लग जाती है, जिससे कि जो कैन फूड होते हैं या कैन डिब्बे होते हैं उनमें छेद हो जाते हैं बहुत ही महीन, जो हमें नहीं दिखते हैं, जिससे कि बाहर की जो वायु होती है वो अंदर एंटर करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो हमारा ख़राब होने लग जाता है। सिक्स है आपका वायु संचरण यानी ब्रीदर। जब डिब्बों में छिद्र इतना महीन होता है जो कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वायु इससे बाहर तथा अंदर आ जा सकती है। वायु संचरण का मतलब इसमें है जब वायु जो है उसका क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है, किससे, आपका कैन वाले डिब्बे से, इतने महीन छेद होते हो जाते हैं उसमें कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो वायु है, जो एयर है, वो आसानी से उसका क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है। तो इस वायु को क्या कहते हैं हम, संचरण, वायु संचरण यानी ब्रीदर कहते हैं। इस दोष में खराब हुए पदार्थ खाने योग्य नहीं समझे जाते, क्योंकि डिब्बों में उतना दबाव मिलेगा जितना आपका वायुमंडल में होता है। सेवन है आपका डिब्बों का फटना यानी ब्रस्टक ऑफ केन। डिब्बे में भरे हुए खाद्य पदार्थों की सड़न के कारण जब डिब्बों के अंदर गैस इतनी अधिक हो जाए कि ढक्कन दबाव सहन न कर पाने के कारण अलग हो जाता है, टीन जोड़ के स्थान से फटने लग जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, डिब्बे कब फटते हैं, जब खाद्य पदार्थों के सड़ने के कारण डिब्बों के अंदर ही इतनी गैस बन जाती है कि जो डिब्बा है वो दाब सहन नहीं कर पाता है और वो अपने आप ही वो फट जाता है या फूलने लग जाता है। फिर आपका एर्थ मूर्छा लगाना यानी रस्टिंग। कभी कभी नमी के कारण डिब्बों के बाहर मूर्छा लग जाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं, इसे हम रस्टिंग कहते हैं। यद्यपि इससे खाद्य पदार्थों में कोई हानि नहीं होती, लेकिन इनके विक्रय पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। मतलब कोई भी अगर मार्केट में जाएंगे तो हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, टीन के डिब्बों में कहीं जंग तो नहीं लगा है, कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर जंग भी लगा हुआ होगा थोड़ा सा भी, तो हम उसे लेना पसंद नहीं करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उसे बेचने में परेशानी आ जाती है। तो बस ये था आपका आज का टॉपिक, जिसे हम कैन फूड कहते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है, किसे क्या कहते हैं और किस प्रकार से जो है लीकेज हो जाता है। तो ये आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, टेक केयर, थैंक यू, बाय।